दर दर्शाने वाले व्यंजक हम पढ़ेंगे और इसका उदाहरण आपको बताया जाएगा। तो कोई उदाहरण लेकर हम दर दर्शाने वाले व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो जैसे कोई भी उदाहरण है, अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों तथा उत्पादों। अब इनके सांद्रण के आधार पर, उत्पादों के सांद्रण के आधार पर कोई भी अभिक्रिया आपको दी जाएगी तो हमें कहेंगे कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए जैसा कि दिख रहा है, दर दर्शाने वाले व्यंजक याद कीजिए। दर दर्शाने वाले व्यंजक याद कीजिए। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कोई अभिक्रिया को। अब आपको अभिक्रिया दी जाएगी जिसका हमको दर दर्शाने वाला व्यंजक निकालना है। तो जैसे पहली अभिक्रिया जिसको हम जानना चाहेंगे और जिसका लिए हम दर दर्शाने वाला व्यंजक को पढ़ेंगे, तो इस तरह से लिख लेते हैं कि NO2 जो रहेगा, इस अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे तो NO2 किस तरह से दो भागों में टूटेगा, NO और O2, और इस तरह से एक अभिक्रिया है। इसके लिए हम सीखेंगे कि किस तरह से दर दर्शाने वाला व्यंजक निकाला जाएगा। अब इसी तरह से एक और अभिक्रिया को ले लेते हैं, दोनों का एक साथ हम पढ़ेंगे। तो कुछ इसी तरह से एक और अभिक्रिया आपको हम अध्ययन के लिए शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह से NO2 और F2 जब रहेंगे तो किस तरह से आपको देखने मिलेगा, एक नया पदार्थ बनेगा NO2 और F जो है, और इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं दो लिख दी गई हैं, इनके लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दर दर्शाने वाले व्यंजक। तो इन अभिक्रियाओं के लिए कैसे हम दर दर्शाने वाले व्यंजक निकाल रहे हैं आप देखेंगे। तो पहली अभिक्रिया के लिए हम पढ़ते हैं। तो पहली अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर हम ज्ञात करेंगे। तो अभिक्रिया की दर निकालने जा रहे हैं। तो पहले इसका रहेगा, कल हम आपको बताए थे, तो ये इसको दो से भाग देना पड़ेगा तो ये हो जाएगा वन अपान टू। तो दो रहे तो उसका हो जाएगा वन अपान टू। इसका सांद्रण परिवर्तन ऐसे लिख दोगे आप, और इसका जो है समय अंतराल से भाग देंगे डेल्टा टी से। अब ये क्रियाकारक है तो ये कैसा रहेगा, ऋणात्मक। क्रियाकारक के सांद्रण समय के साथ कम होते हैं इसलिए कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। अब इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं इसका, तो इसका भी दो से भाग देने पर वन अपान टू हो जाएगा, और ये डेल्टा NO और नीचे में रहेगा डेल्टा टी। तो ये इस तरह से रहेगा, और इसमें भी ये धन में रहेगा क्योंकि ये उत्पाद है, उत्पाद का धन में रहता है, और जो इधर रहते हैं क्रियाकारक उनका किस में रहता है, ऋण में। इसका जैसे अब हम पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा डेल्टा और O2 और बटे हो जाएगा डेल्टा T। इसका भी क्या रहेगा, धन में रहता है।
तो इस तरह से एक अभिक्रिया जो आपने पहला पढ़ा था तो उसके लिए अभिक्रिया की दर हम गणना किए तो इस तरह से आएगा। तो 2 का 1/2 और सांद्रण परिवर्तन समय अंतराल और ऋण में रहेगा इसका ऐसे हो गया, और ये जो है धन में रहेगा इसका जो है ऐसे होगा, और ये भी क्या रहेगा धन में रहता है। अब दूसरी अभिक्रिया के लिए भी आप निकालेंगे अभिक्रिया की दर। तो पहले अभिक्रिया के लिए आपने जाना, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी अभिक्रिया के लिए। तो इसका भी क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लिख दिए, और यहाँ पर डेल्टा यानो 2 इस तरह से बटे डेल्टा टी। अब यहाँ पर क्रिया कारक है इसलिए ऋण में रहेगा, तो ये 2 का 1/2 हो गया, ये सांद्रण परिवर्तन और डेल्टा टी, और ये ऋण में रहेगा। इसका भी वही रहेगा कि डेल्टा एफ टू, अब इस तरह से एफ टू बटे डेल्टा टी, ये भी किस में रहेगा ऋण में, चूँकि ये भी क्या है क्रियाकारक है, तो क्रियाकारक होने के कारण ये भी किस में रहेगा ऋण में रहेगा। अब इसको आ जाते हैं कि ये किस तरह से रहेगा, तो ये 2 का जो है 1/2 हो जाएगा इस तरह से, और डेल्टा और यहाँ पर रहेगा यानो 2 एफ और बटे फिर से डेल्टा टी से हम भाग देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं तो डेल्टा टी से भाग दे दिया गया। तो ये और ये ऋण में है, और ये किस में रहेगा धन में। धन में क्यों रहेगा, वो उत्पाद है, समय के साथ बढ़ता है, और इन लोग क्रिया कारक हैं, समय के साथ जो है कम होते हैं, तो यही कारण है कि इन लोगों को ऋण में लिखते हैं, और इसको जो है उत्पाद जो है उनको क्या किस में लिखा जाता है धन में प्रदर्शित करते हैं। तो ये है कि अभी कोई भी अभिक्रिया है उसके लिए दर दर्शाने वाले व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आपने पढ़ा, अब दर दर्शाने वाले व्यंजक को ज्ञात करना हमने सीखा। अब हम ये जानेंगे कि अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया की जो दर है उसके मापन के तरीके, मापन के तरीके। तो एक अभिक्रिया की दर जो है उसका हम मापन करते हैं तो क्या क्या तरीका हो सकता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब क्रिया की दर ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक या क्रियाफल जो है, तो आप यहाँ पर ऐसे कहोगे कि अभिक्रिया की जो दर है उसको ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक या क्रियाफल जो होगा, क्रिया कारक या क्रियाफल, तो जो भी क्रिया कारक या क्रियाफल होगा उसमें जो है सांद्रण को हमको लेना ही पड़ेगा। तो सांद्रण जो हम ले रहे हैं तो सांद्रण के समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, तो सांद्रण को लेना है, और सांद्रण को समय के साथ परिवर्तन जो रहेगा उसका हम प्रायोगिक निर्धारण ज्ञात करते हैं, प्रायोगिक निर्धारण और ज्ञात करते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है। अब इससे हमको क्या होगा कि अभिक्रिया के जो किसी भी गुण में हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो अभिक्रिया के
किसी गुण में कोई भी उसका प्रॉपर्टी रहेगा या गुण रहेगा तो उसमें परिवर्तन जो है उसकी दर का मापन किया जाता है। तो आप इसी को लिख दोगे कि परिवर्तन की दर का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। अब इसी को और आगे आपको बताना होगा कि किस तरह से जो है हम मापन करते हैं। तो आप ये पाओगे कि कुछ महत्वपूर्ण रंग जो हैं आपको मिलते हैं परिवर्तन के दौरान, तो कुछ महत्वपूर्ण रंग परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे। और जो भी है निकाय का समस्त आयतन भी परिवर्तन आपको देखने मिल सकता है। तो निकाय का समस्त आयतन और दाब आदि, आयतन के बाद आप लिखोगे दाब आदि, तो इस तरह से आपको परिवर्तन जो है देखने मिलेंगे। अब इसको आप एक सारणी की सहायता से भी प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर आपको सारणी की सहायता से बताया जा रहा है। तो सारणी में आप ये देखोगे गुण जो आपको अभिक्रिया दर ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं उनको लिखना है। गुण जो अभिक्रिया दर ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, अभिक्रिया दर ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको आपको बताना है सारणी में। तो इसी तरह से आप लिखोगे सारणी में पहला जो भाग रहेगा वो क्रमांक रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्रमांक लिख दिया। सारणी को और आगे हम बढ़ जाते हैं तो गुण जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं उनको आप यहाँ लिखोगे। तो आप ये कहोगे कि गुण जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो ये दूसरा कॉलम बनाओगे इस सारणी में। अब इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं भी आपको लिखना होगा। तो अभिक्रिया के क्या उदाहरण हो सकते हैं इसको आप लिखोगे। तो यहाँ पर रहेगा अभिक्रिया का उदाहरण। तो इस तरह से तीन कॉलम आप देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लिखेंगे। तो पहला क्रमांक जो है जैसा आप देख रहे हैं सारणी में, और ये रंग को लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। किसको लेकर पढ़ रहे हैं? रंग को लेकर। अब इसमें एक अभिक्रिया आपको लिखना होगा। तो जैसे हम N2O4 लिख रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया लिख रहे हैं? N2O4। तो इसके इस तरह से NO2 बनेगा, दो बार बनेगा। तो ये आपको देखने मिलेगा रंग के लिए। अब आयतन और दाब की यदि हम बात करें, आयतन और दाब जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा है, तो यदि आयतन दाब की बात करें तो हम इस बार दूसरी अभिक्रिया ले लेंगे। इस बार N2O5 को पढ़ेंगे, N2O5। तो N2O5 से हमको आगे चलकर NO2 और O2 बनेंगे। तो NO2 बनेगा और O2, तो ये O2 को हम आधा ले लेंगे और ये रहेगा दो बार। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दूसरी अभिक्रिया जिसमें आयतन दाब पढ़ा जा रहा है। तीसरा गुण जो है, गुण जो समय के साथ परिवर्तित होगा उसमें हम जानेंगे ध्रुवित प्रकाश जो होता है, पोलराइज लाइट। तो इसको हम ऐसा कहेंगे ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन। तो तीसरा आप लिखेंगे ध्रुवित जो प्रकाश है उसका घूर्णन किस तरह से रहेगा किस अभिक्रिया के लिए। तो इसमें हम ध्रुवित प्रकाश में सुक्रोज का उदाहरण पढ़ेंगे, C12H22O11। इसको जल देते हैं, जल मतलब H2O,
तो इस तरह से बनेगा C6H12O6 और C6H12O6। तो इस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बने हैं ये आप देख लिए, वो कौन से अभिक्रिया के लिए है, ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन। अब इसके साथ और भी है, मात्रा यदि हम पढ़ें तो चौथा गुण कौन सा पढ़ा जा रहा है, मात्रा। तो मात्रा यदि परिवर्तन के लिए हम देखेंगे तो आप ये पाओगे कि जब कभी भी जिंक जो होता है ZN और OHCl से क्रिया करता है तो अवक्षेप मिलता है ZnCl2। तो इस तरह से यहाँ पर जिंक के लिए आप पढ़ रहे हैं तो, और हाइड्रोजन भी पृथक होगा, तो ये जो अभिक्रिया है वो किसके लिए रहेगी, मात्रा को लेकर पढ़ी जा रही है। तो ये चौथा उदाहरण अभी अभी आपने पढ़ा वो किस बात के लिए था, मात्रा किस तरह से परिवर्तित होती है। तो ये सारणी है और सारणी के गुण हैं जो अभिक्रिया दर ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पर एक और पढ़ना है, चार गुण जैसे आपने पढ़ लिया, अब इसमें से आप और भी पढ़ सकते हैं, पांचवा भी आपको बताया जा रहा है। तो पांचवा जैसे रहेगा, आप ये पाओगे pH मान, जैसा कि आप पढ़ते रहे हैं तो pH मान के लिए यदि हम पढ़ना चाहें तो इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे CH3 और COOC2CH3। तो कहने का मतलब है मिथिल एसीटेट, ये इससे बड़ा सदस्य हम ले लेते हैं, एथिल एसीटेट ले लेते हैं, तो C2H5। तो ये जो अभिक्रिया है ये है एथिल और ये है एसीटेट, तो एथिल एसीटेट अभिक्रिया को पढ़ा जाएगा, इसका जल अपघटन होगा। जल अपघटन का मतलब क्या है, H2O ये क्रिया करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये यहाँ से H लेकर CH3COOH बनेगा और C2H5OH। तो इस तरह से पदार्थ बनते हैं, ये एस्टिक अम्ल है और वो क्या है, एथिल एल्कोहल। तो कुल मिलाकर ये pH मान एक ऐसा गुण है जो समय के साथ परिवर्तित होता है। तो इस कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण इसमें है, तो ये एथिल है और ये एसीटेट। तो इस तरह ये CH3 जैसा कि आप देख रहे हैं, तो CH3 ये हो गया एथिल और ये हो गया एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है तो एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, और ये एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो सारणी हमने पढ़ा कि गुण जो अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपको चार पांच अभिक्रियाएं और गुण के आधार पर बताई गई। तो ये है अभिक्रिया की दर मापन के तरीके, तो इसको हमने जाना। अभिक्रिया की दर मापन के तरीके पढ़े गए, अब हम पढ़ेंगे औसत दर जो होती है, हैं एवरेज रेट हम कह सकते हैं। तो उसको अब पढ़ा जाएगा कि एक औसत दर किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो औसत दर तथा इसके साथ हमको तात्कालिक दर पढ़ना होगा, उसके और भी नाम हैं तात्कालिक दर, और इसी को हम इस नाम से भी जानते हैं तात्क्षणिक दर, तात्कालिक दर भी कहते हैं, इसको तात्क्षणिक दर भी कहा जाता है। तो इसको पढ़ा जाना है,
तो औसत दर जो रहेगी और औसत दर के साथ हम तात्कालिक दर का और क्या नाम है, तात्क्षणिक दर, इसको हम पढ़ेंगे जानेंगे। तो इस तरह से अभी तक जो भी आपने अध्ययन किया था, व्यंजक आपने पढ़े अभिक्रियाओं के लिए, तो डेल्टा टी के लिए हम, या समय अंतराल, जैसे समय को हम टी वन से टी टू तक अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगता है, तो अंतिम समय जो टी टू है उसको हम प्रारंभिक समय में घटा देंगे तो हमको जो है डेल्टा टी प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो ये टी जो है टाइम है, टाइम समय है, तो समय में जो परिवर्तन है वो डेल्टा टी जो है हम व्यक्त करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि औसत दर हम जब निकाल रहे थे तो ये उपयोग में ला रहे थे। अभी आपने दर स्थिरांक व्यंजक जब निकाला था तो समय अंतराल जो प्रयुक्त किया था वो कौन सा, डेल्टा टी। तो कुल मिलाकर हमें कहेंगे कि एक औसत दर अब कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो औसत दर के लिए सूत्र लिखा जा रहा है। तो औसत दर ये होती है कि अभिकारक आप चाहे प्रयुक्त करें, अभिकारक या उत्पाद, ये क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, इनको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और ये उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, इनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, के सांद्रण में परिवर्तन, और इसको हमको विभाजित करना है, भाग देना है, जैसा कि आप देख रहे थे समय अंतराल। तो समय अंतराल इससे विभाजित करने पर किसी अभिक्रिया की हम क्या प्राप्त करते हैं, औसत दर। तो औसत दर को हम इस तरह से व्यक्त करेंगे, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये औसत दर है। अब अभिकारक का सांद्रण में परिवर्तन, जैसे हम X1 से X2 तक सांद्रण परिवर्तित हुआ तो इसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा, और समय अंतराल में जो परिवर्तन रहेगा वो क्या रहेगा, डेल्टा टी रहता है। तो ये आप लिख दोगे यहाँ पर कि अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक दर्शाए गए जो दर व्यंजक अंतराल हैं, दर्शाए गए दर व्यंजक अंतराल उसमें आप क्या प्राप्त कर रहे थे, अंतराल में डेल्टा एक्स जो है डेल्टा टी के लिए औसत दर दर्शाते हैं। तो डेल्टा टी के लिए औसत दर दर्शाते हैं। तो इस आधार पर हम पढ़ते रहे हैं, और अभी अभी हमने कहा कि यदि सांद्रण परिवर्तन डेल्टा एक्स है और समय अंतराल क्या है, डेल्टा टी है, तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा आप अध्ययन कर रहे थे, औसत दर हमने अध्ययन किया, अब आप इससे आगे पढ़ेंगे। तो औसत दर के जो मान हैं, जैसे कि आप निकाल रहे थे, तो आपको ये कहना है कि औसत दर के मान यदि बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम होने पर, जब जब ऐसा होगा कि औसत दर का मान कम होगा, तो औसत दर के मान बहुत कम होने पर
तात्कालिक दर के बराबर हो जाते हैं, तात्कालिक दर के बराबर हो जाते हैं। तो औसत दर और तात्कालिक दर में अंतर इस तरह से आप पाओगे कि जब औसत दर का मान बहुत कम हो जाता है, तो औसत दर का मान बहुत कम होता है तो तात्कालिक दर के बराबर हो जाता है। अब इसके आगे और है कि किसी अभिक्रिया तो औसत दर के मान बहुत कम होने पर तात्कालिक दर के बराबर हो जाते हैं। इसको इस तरह से हम साफ तरीके से लिख रहे हैं। अब आप ये भी कहोगे कि औसत दर के जो किसी अभिक्रिया को दर्शाना है आपको, तो किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए या उसके अधिक यथार्थ, तो किसी अभिक्रिया के अधिक यथार्थ जो मान हैं, अधिक यथार्थ मान को प्राप्त करना है आपको, तो अधिक एक्यूरेसी मान यदि हम लाते हैं तो अधिक यथार्थ दर्शाने के लिए, अधिक यथार्थ मान को प्राप्त करने के लिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर से दर्शाते हैं, तात्क्षणिक दर से दर्शाते हैं। तो अधिक यथार्थ मान यदि प्राप्त करना है तो इस तरह से तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर से दर्शाते हैं। अब इसके लिए आपको बताना है कि डेल्टा टी का मान एकदम कम हो जाता है, तो इसके लिए आप ये कहोगे कि डेल्टा टी जो है इसका मान, डेल्टा टी का जो मान है बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं इतना कम से कम लेते हैं, अब कितना कम रहेगा कि जिससे उस समय जो अभिक्रिया दर है वो लगभग स्थिर रहे। इतना कम से कम लेते हैं कि उस समय अभिक्रिया दर लगभग स्थिर रहती है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से तात्कालिक दरों का रूप ले लेगा। अब आप किसी अभिक्रिया के लिए पढ़ेंगे कि माना कोई अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं, तो इसको हम जानेंगे कि कोई अभिक्रिया है उसमें ए से हम क्या बना रहे हैं, बी, ठीक है, ये क्रिया करके क्या बना रहा है, बी बनाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम आप जानेंगे कि तात्कालिक जो वेग है वो किस तरह से होगा। इस अभिक्रिया के लिए तात्कालिक, या इसको हम और नाम से जानते रहे हैं तात्क्षणिक, इस अभिक्रिया के लिए तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग किस तरह से निकालेंगे इसको हम जानेंगे। इस अभिक्रिया को हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, इस तरह से रहेगा जैसा कि आपने लिख दिया। तो ये जो है तात्कालिक अभिक्रिया के लिए है, इसको आप अभी ऐसा लिखिए कि डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, तो इस तरह से लिख दिए। अब बी के लिए भी यदि आप लिखते हैं तो इसको या कह दीजिए, दोनों से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, तो इस तरह से हम प्राप्त करेंगे। अब डेल्टा टी का दोनों बार हमने भाग दिया है, और इसके स्थान पर हम यदि तात्कालिक दर लिख रहे हैं
तो स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह ये हो जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, या इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो कुल मिलाकर इसके स्थान पर ये जो है प्रयुक्त होगा है। तात्कालिक वेग का जो व्यंजक है, तात्कालिक अभिक्रिया जो है या तात्कालिक वेग का व्यंजक जब हम प्राप्त करेंगे तो इस तरह से हमको प्रदर्शित करना होगा। तो अभी हम तात्कालिक दर पढ़ते आपको यहाँ पर पहुँच गए हैं कि जैसे हम पहले व्यक्त करते थे अभिक्रिया के दर का व्यंजक, वहाँ पर परिवर्तन को हम ऐसा व्यक्त कर रहे थे डेल्टा से। अब यदि तात्कालिक है, तात्क्षणिक है, बहुत कम समय में पूर्ण हो रहा है तो ये प्रयुक्त नहीं होगा, उसके स्थान पर हमको इस तरह से लिखना है। तो तात्कालिक वेग जब भी हम लिखेंगे, तात्क्षणिक वेग जब भी हम लिखेंगे तो इस तरह से परिवर्तन को व्यक्त नहीं करेंगे बल्कि ये परिवर्तन को व्यक्त करेगा। तो एक दर व्यंजक आपने पढ़ा था पहले और अभी अभी पढ़ा गया कि तात्कालिक वेग का व्यंजक इस तरह से प्रयुक्त करते हैं। अब इसी में और अधिक आगे पढ़ा जाएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बताया गया कि डेल्टा की जगह जो है डेल लिखना है, अति सूक्ष्म परिवर्तन। अब इसमें आप ये भी कहोगे कि जो आपने इस तरह से लिखा है डेल ए तथा डेल बी जो रहेगा आपका, ये अभी एक और उत्पाद का सांद्रण था, तो इन दोनों के लिए आप ये कहोगे कि सांद्रण में जो अति अल्प परिवर्तन है उसको इन लोग व्यक्त करते हैं, सांद्रण में अति अल्प परिवर्तन मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है उसको इन लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो इन लोग अति अल्प परिवर्तन है इसको बता रहे हैं, इसको आप यहाँ पर कहोगे। अब इसके और अधिक आगे हम कहेंगे, अब इसमें यदि कोई बहुत अति अल्प समय में डेल्टा टी में होते हैं, इसको आपको और अच्छे से कहना है कि इन लोग अति अल्प समय, अति अल्प समय मतलब डेल्टा टी में होते हैं, संपन्न होते हैं, तो इस तरह से आपको कहना है। अब इसको आप और अधिक बताओगे अर्थात कैसे हम कहना चाह रहे हैं, तो इसमें फिर से वही सांद्रण को लेओगे कि क्रियाकारक का है तो ऋणात्मक रहेगा, और यहाँ पर जो है पहले जैसा कि हम कह रहे थे कि ऐसा लिखते हैं ए का सांद्रण और बटे डेल्टा टी लिखते हैं। अब यदि इसको डेल्टा टी अति अल्प समय के लिए है इस तरह से, तो इसका जो रूप हो जाएगा अब कैसा हो जाएगा कि डेल ए बटे डेल टी ऐसा लिखा जाएगा, तो इस तरह से। अब उसी तरह से बी के लिए भी हम बना देते हैं, वो धन में रहेगा उत्पाद है तो ये बी हो गया और यहाँ पर डेल्टा टी रहेगा। अब डेल्टा टी अति सूक्ष्म समय है तो इसमें से आप फिर से लिख दोगे डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि अति अल्प समय के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, ये धन में रहेगा उत्पाद का है और ये क्रिया कारक का है इसलिए कैसा रहेगा, ये ऋण में रहेगा। अब यहाँ तक आपने पढ़ा, अब इसके आगे जो है कुछ सामान्य रूप से यदि हम कहते हैं तो
इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो अल्प समय है, मतलब कम समय जो होता है, डेल्टा टी में जो सांद्रण रहेगा, सांद्रण में जो अति अल्प परिवर्तन होगा, अल्प समय में जो सांद्रण रहता है उसमें अल्प परिवर्तन अर्थात डेल्टा एक्स होगा। तो समय भी बदलेगा तो सांद्रण भी बदलेगा, तो अभिक्रिया की एक तात्कालिक दर आ जाएगी, तो अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उसकी तात्कालिक दर। तो अभिक्रिया की जो तात्कालिक दर है वो अब ऐसे व्यक्त होगी, डेल एक्स बटे डेल टी। तो अभिक्रिया की तात्कालिक दर को ऐसे लिखेंगे, डेल एक्स बटे डेल टी। अब इसको आप ये भी कहोगे कि यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण से यदि आप लिख रहे हो, अभिकारक के सांद्रण से प्रदर्शित करते हैं, कारक के सांद्रण से व्यक्त करते हैं, तो अब मान अलग हो जाएगा, ऋण में रहेगा। तो अब जो अभिक्रिया की दर रहेगी वो कैसे हो जाएगी, तो ऋण डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर आएगी जब अभिकारक के सांद्रण में लिखोगे। अब इसी को और अधिक आगे हम पढ़ेंगे। अब हम कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं इस तात्कालिक दर को। तो आप इस तरह से कहोगे कि अभिक्रिया, और अभिक्रिया हम ले रहे हैं इस बार N2O5। कौन सी अभिक्रिया? N2O5 का टूटना हो रहा है। अब कैसे टूटेगा? तो एक NO2 बनेगा और दूसरा O2। तो इसको दो बार ले लोगे, इसको कितनी बार ले लोगे आप? चार बार। अब इसके लिए आपको कहा जाता है के लिए तात्कालिक दर व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से मान लीजिए प्रश्न रहता है, तो हम कैसे हल करेंगे इसको आपको जानना है। अब तात्कालिक दर इस तरह से आप यहाँ पर लिख दोगे, तात्कालिक दर, इसका तात्क्षणिक दर भी नाम है, तो तात्कालिक दर बराबर आप लिखते चलोगे, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऋण में रहेगा, ऋण 1/2। अब एक कैसा रहेगा? डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा टी, ठीक है। तो ऋण में लिखना है, बाकी पहले भी हम पढ़े थे, यहाँ पर परिवर्तन अलग था। ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर डेल्टा NO2 बटे डेल्टा टी। इसके लिए भी आप लिखोगे, ये हो जाएगा डेल्टा O2 बटे हो जाएगा डेल्टा टी। तो इस तरह से ये हुआ तात्कालिक दर का व्यंजक अभिक्रिया N2O5 के लिए। तो यह इसमें सिर्फ एक ही ऋणात्मक में रहेगा ये क्रियाकारक, बाकी ये सब कैसे रहेंगे? धनात्मक रहते हैं, जैसा कि आप मान देख रहे हो। अब एक आपने अभी अभी इसके लिए पढ़ा है, N2O5 के लिए, किसके लिए पढ़ा? N2O5 जो अभिक्रिया है उसके लिए हमने सीखा कि तात्कालिक दर व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो 2 रहेगा, तो इस तरह से आप लिख दोगे। ऋण क्यों लिख रहे हैं? समीकरण के इधर जो रहते हैं क्रियाकारक, उनके लिए हम क्या लिखते हैं? ऋण। और समीकरण के इस ओर जो रहेंगे उत्पाद, उनका हम कैसे लिखते हैं? धन। तो 4 का 1/4, और इस तरह से तात्कालिक दर में ये डेल्टा रहेगा, और समय से हमेशा भाग देना है, इसको भी देना है, ठीक है।
अब इसके और आगे एक उदाहरण हम पढ़ेंगे इसी तात्कालिक दर को निकालने के लिए। अब क्या पढ़ा जा रहा है? उदाहरण। तो देखिए किस तरह से रहेगा। निम्न अभिक्रियाओं के लिए आपको दो अभिक्रियाएं मिलेंगी, तो इसको हमको लिखना है निम्न अभिक्रियाओं के लिए तात्कालिक, इसी को तात्क्षणिक भी कहते हैं, तात्कालिक या तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रियाएं मिलेंगी, उनके लिए आपको तात्कालिक दर के या तात्क्षणिक दर के व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसमें से पहली अभिक्रिया, जैसे आप देख रहे हो कि NO रहेगा, Br2 से क्रिया करेगा और आगे चल के NOBr बनाएगा, NOBr। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा। अब एक और अभिक्रिया जिसके लिए आप निकालोगे, तो ओजोन का जो विघटन हुआ करता है, ओजोन मतलब O3, अब ये टूटेगा, O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? O2। अब इसमें जैसे दो बार ले लेते हैं, तो इसको जो है क्या करेंगे, तीन बार लेंगे, ठीक है। अब इसको आप हल करने जा रहे हैं, तो पहली अभिक्रिया है, इसके लिए हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया, जैसा कि देख रहे हैं। अब इसका सांद्रण हम लिखते हैं, तो इसका सांद्रण कैसे रहेगा, डेल्टा NO। तो इसका सांद्रण हम लिख दिए, सांद्रण परिवर्तन ये बटे समय अंतराल का भाग देते हैं, मतलब डेल्टा टी। तो इसका भाग दे दीजिए डेल्टा टी, इस तरह से। अब इस पर आ जाते हैं। अब एक और बात है, इसको आप जरूर ख्याल करेंगे कि इसको हम ऋण में ही लिखेंगे। क्रिया कारक का हमेशा कैसे लिखते हैं, ऋण में। अब ये दूसरा क्रिया कारक है, इसको भी इसी तरह से व्यक्त करेंगे, तो ऋण में रहेगा। Br2 का क्या हो जाएगा, डेल्टा Br2 बटे डेल्टा टी, इस तरह से हो गया। तो Br2 के लिए हम तात्कालिक दर व्यंजक कैसे लिखेंगे, जैसा कि दिख रहा है, डेल्टा Br2 बटे भाग दे देना है डेल्टा टी। तो इस तरह से इसका भी हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा डेल्टा NOBr। तो इस तरह रहेगा बटे डेल्टा टी। तो NOBr जो उत्पाद था, NOBr क्या था, उत्पाद। तो NOBr जो दो बार था, उसको हमने क्या लिख दिया, 1/2, तो 1/2 लिख दिया। तो इस तरह से NOBr हो गया डेल्टा टी। तो ये जो रहेगा ऋण में रहेगा, ये भी ऋण में रहेगा, और ये अभी अभी जो लिखा गया वो किस में रहेगा, धन। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्रिया कारक हैं, इनके सांद्रण समय के साथ घटते हैं, तो इसलिए उनको कैसा लिखते हैं, ऋण में। ये क्या है, उत्पाद है, उनके सांद्रण समय के साथ क्या है, बढ़ते हैं, तो इसलिए उनको कैसा लिखते हैं, धन में प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो पहले का हल आपने पढ़ा, अब आ जाते हैं दूसरा। तो
दूसरी अभिक्रिया को अब हम जानेंगे। तो जो ये दूसरी अभिक्रिया है इसका हल अब हम सीखेंगे। तो टू को अब हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, वन अपान टू, तो ये ऋण में ही रहेगा और ये कैसा हो जाएगा, वन अपान टू। अब इसका लिख देंगे तो ये हो जाएगा ओ थ्री बटे डेल्टा टी। इसके बाद इसका लिखेंगे तो थ्री का क्या हो जाएगा, वन अपान थ्री, और इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ थ्री बटे डेल्टा टी। इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर जो है वन अपान टू, ओजोन जो है ओ थ्री, ओजोन ओ थ्री है, तो ये छः हो गया, ये भी छः हो गया। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से लिखेंगे और ये जो O2 बन रहा था उसके लिए हम निकालेंगे। तो इस तरह से O2 ही लिखाएगा, भूल बस हमने O3 लिख दिया था, तो इसको ठीक कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है प्राप्त करेंगे ऋण और ये धन। तो ये ओजोन जो है इसका विघटन इसका हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम तात्कालिक दर व्यंजक लिखे। तो टू के लिए वन अपान टू, ऋण सबसे पहले आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्रिया कारक है, समय के साथ घटेगा, तो वन अपान टू कर दिया। ओजोन का है समय अंतराल से भाग दे दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है इसलिए यहाँ ओ टू रहेगा। और थ्री के लिए आप वन अपान थ्री लिखोगे, ऋण नहीं होगा क्योंकि ये उत्पाद है और हमने समय अंतराल से इसको भी भाग दे दिया। तो आपने अभिक्रियाओं के लिए तात्कालिक या तात्क्षणिक दर व्यंजक निकालना पढ़ा और आगे के कालखंड में रासायनिक बलगतिकी में और अधिक अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।